और भरतपुर में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। नगर निगम का फायर ऑफिसर अरुण कुमार जाल ट्रैप हुआ है। एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। पेट्रोल पंप के एनओसी जारी करने के वजह में रिश्वत की डिमांड की गई थी। एसपी अमित कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी कालूराम रावत के निर्देशन पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि भरतपुर से सामने आ रही है, और सबसे पहले तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई, नगर निगम का फायर ऑफिसर अरुण कुमार जाट ट्रैप हुआ है। एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। पेट्रोल पंप के एनओसी जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। एसपी अमित कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआईजी कालूराम रावत के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है, पूछताछ फिलहाल की जा रही है। लेकिन ट्रैप की कार्रवाई के बाद सबसे पहले जो तस्वीर है आप फर्स्ट इंडिया पर देख पा रहे हैं, जहां नगर निगम का फायर ऑफिसर अरुण कुमार जाट ट्रैप हुआ है। एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। और जो वजह सामने आई है वो वजह है पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की गई थी, और इससे रिश्वत को लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों दबोचा है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर फायर ऑफिसर अरुण कुमार जाट से पूछताछ भी की जा रही है। डीआईजी कालूराम रावत के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। और देखिए पूरी पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि इस मामले में और भी कई खुलासे हों, क्योंकि सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इससे पहले भी रिश्वत ली गई है या फिर रिश्वत की डिमांड की गई है, कितनी बार की गई है और कितनी रिश्वत ली गई है। तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि घर पे भी तलाशी की जाएगी और तब भी मुमकिन है कि और भी कई खुलासे मामले में सामने आ सकते हैं। फिलहाल भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई को लेकर लगातार अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निगम का फायर ऑफिसर अरुण कुमार जाट जो कि ट्रैप हुआ है 10,000 रुपए के रिश्वत लेते, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कटारा भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले पर फिलहाल? रवि, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो फायर ऑफिसर थे उनको ट्रैप किया है। हालांकि 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, 10,000 रुपए की आज रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। और एनओसी जारी करने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए जो एडिशनल एसपी है एसीबी के अमित चौधरी, उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया जी। रवि, क्या लग रहा है, क्योंकि पूछताछ की जा रही है, घर की भी तलाशी जरूर की जाएगी, उसके बाद में कई और खुलासे भी हो सकते हैं मामले पर? देखिए, अभी जो है कार्रवाई चल रही है। हालांकि तमाम जो एसीबी के जो स्टाफ के कर्मचारी हैं वो दफ्तर में मौजूद हैं, और एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं अमित चौधरी, उनके नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ के अलावा घर पर भी तलाशी ली जा सकती है। उसको लेकर अभी जो एसीबी के अधिकारी हैं वो अभी बातचीत करेंगे। उनका कहना है पहले पूरी कार्रवाई हो जाए, उसके बाद आपको लिए जो जानकारी वो दी जाएगी। रवि, अब से कितनी देर पहले ट्रैप की कार्रवाई हुई है? देखिए, 30 से 25 मिनट हो चुके हैं करीब कार्रवाई को चलते चलते। हालांकि अभी जो पूरी जो जानकारी है, एडिशनल एसपी का कहना है एक बार पूरी जो क्रिया प्रक्रिया होती है मामले में जो कार्रवाई होती है उसको करने के बाद मीडिया को बता दिया जाएगा। लेकिन यह है कि जो फायर ऑफिसर थे उनको 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। बिल्कुल रवि, पूरे मामले पर नजर बना रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।